Hello, my dear students. My name is Ankit Sharma and I welcome you all to the Prime Skills. हमारी एक नई सीरीज जो हम शुरू करने जा रहे हैं, ये बीटेक के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो सॉफ्ट स्किल्स का सब्जेक्ट है, जो AKTU ने बिल्कुल नया सिलेबस रिलीज किया है, BAS 105 और BAS 205, ये उसकी सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं। और ये कंप्लीट जो 5 यूनिट का जो एक सीरीज है, वो हम ऑलमोस्ट 1 मंथ में कंप्लीट करेंगे, जिससे कि आप अपने एग्जाम्स के लिए प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर कर पाए। जो हमारा ये सॉफ्ट स्किल्स है सब्जेक्ट है, इसमें जो पहली यूनिट है उसका नाम है अप्लाइड ग्रामर एंड यूजेज, और इसमें भी जो पहला टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो यहीं से हम शुरुआत करेंगे, फंडामेंटल से शुरुआत करेंगे और हम धीरे धीरे इन चीजों को सीखना शुरू करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे पहले कि आप ये AKTU का जो बीटेक फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, बिल्कुल अभी अभी न्यू सिलेबस रिलीज हुआ है, दिस इज द न्यू सिलेबस, सो इट विल बी आई शुड कॉल 2022-23 सिलेबस, राइट। तो ये सिलेबस नया रिलीज हुआ है और इस सिलेबस को हम प्रॉपर तरीके से स्टडी करेंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सारी वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों कि ये जो यूनिट वन है, इस यूनिट वन का बेसिकली मतलब इसको यूनिट वन को हम किस तरीके से पढ़ेंगे या फिर क्या इसका सिलेबस है। तो यूनिट वन का जो सिलेबस है उसमें आप देखेंगे कि पहला जो टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें कि सिंपल सेंटेंसेस हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम पढ़ेंगे, प्रीफिक्स एंड सफिक्सेस के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से आप न्यू वर्ड्स जो है वो बना सकते हैं। देन वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट our advanced vocabulary, antonyms, synonyms, homophones, and then we will discuss about the new word formation, select word power, anything like that. Okay? सारे टॉपिक्स को हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम द फंडामेंटल, विच इज बेसिकली ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। तो यहाँ बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे। तो जरूरी नहीं है अगर आप AKTU के हैं तभी है, आप वीडियो देखें। अगर ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंसेस को आप प्रॉपर तरीके से सीखना चाहते हैं, देन This specific series can actually help you out. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है बच्चों, वो ये है कि what is the transformation of sentences? So transformation of sentences को अगर ध्यान से समझे तो a sentence in one form is converted into another form without changing its meaning. एक सेंटेंस को अगर आप दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, दूसरे सेंटेंस की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसके मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आता है, तो इसको बेसिकली हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस बोलते हैं। अब जैसे एग्जांपल अगर आप देखें तो एक एग्जांपल आपको दे रखा है, ही इज टू वीक टू रन फास्ट, ठीक है, यानी वो इतना कमजोर है कि वो तेज नहीं भाग सकता। अब जरा दूसरे सेंटेंस को देखिएगा, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन फास्ट, इसका मतलब भी यही है, वो इतना कमजोर है कि वो ज्यादा तेज नहीं भाग सकता, राइट। यानी दोनों सेंटेंसेस सेम है, दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है, बट इनकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, ठीक है। इसी तरीके से तीसरे सेंटेंस को समझिएगा, सिंस ही इज वेरी वीक ही कैन नॉट रन फास्ट, क्योंकि वो बहुत कमजोर है इस वजह से वो ज्यादा तेज नहीं भाग सकता। चौथे सेंटेंस को देखिएगा, ही कैन नॉट रन फास्ट बिकॉज ही इज वेरी वीक, वो ज्यादा तेज नहीं भाग सकता क्योंकि वो कमजोर है। और पांचवें सेंटेंस को भी देखिएगा, बिकॉज ऑफ हिज वीकनेस ही कैन नॉट रन फास्ट, उसकी कमजोरी की वजह से वो ज्यादा तेज नहीं भाग सकता। अगर आप देखें तो पांचों सेंटेंसेस एक ही मीनिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट द प्रॉब्लम इज, और रादर आई शुड से द डिफरेंस इज दैट देयर इज अ डिफरेंस इन स्ट्रक्चर। ये जो सेंटेंसेस का स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, इसी की वजह से हम ये कह सकते हैं कि पहले सेंटेंस को हम 4 डिफरेंट अदर फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत क्या है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक बात समझ लीजिए बच्चों कि जब भी कभी आप लैंग्वेज के ऊपर अच्छी कमांड रखना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को आप एक सेकेंड लैंग्वेज की तरह सीख रहे हैं, तो जब भी कभी आप लैंग्वेज के ऊपर कमांड रखना चाहते हैं तो लैंग्वेज के अंदर एक स्पॉन्टेनिटी लाने के लिए आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का पता होना चाहिए, राइट। तो अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन सीख लेते हैं तो पहली चीज तो आपको पैराफ्रेजिंग में मदद मिलती है। पैराफ्रेजिंग का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति ने कोई बात कही, अगर उस बात को आप अपने शब्दों में कहना चाहते हैं तो आप एग्जैक्टली कॉपी नहीं कर सकते, राइट। आपको अपनी एक स्ट्रक्चर यूज करनी पड़ेगी, तो वो पैराफ्रेजिंग कहलाती है। दूसरा होता है आपका कमांड ओवर लैंग्वेज। अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो आपकी लैंग्वेज के ऊपर जो कमांड है वो बहुत अच्छी बन जाती है,
ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इम्पैक्टफुल एंड इम्प्रेसिव आर्टिकुलेशन, यानी अगर आप चीजों को सही तरीके से आर्टिकुलेट करना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस आपकी हमेशा मदद कर सकता है। बेटर एक्सप्रेशन इन बोथ स्पोकन एंड रिटन फॉर्म, अगर आप बोलने वाले इंग्लिश में या बोलने वाली लैंग्वेज में या फिर लिखित भाषा में यानी रिटन लैंग्वेज में जो अगर आप अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ के सेंटेंसेस का समझना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप एक सेंटेंस को डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी ऑफ फॉर्म्स में उसको एक्सप्लेन कर सकें। एनहेंस्ड अंडरस्टैंडिंग, अगर कोई एडवांस्ड यूजर या एडवांस्ड स्पीकर बोल रहा है तो वो डिफरेंट फॉर्म्स यूज करता है, वो आप तभी यूज कर सकते हैं अगेन जब आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की जानकारी हो। एंड देन बेटर लिस्टिंग, अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन को समझ पाते हैं आप ट्रांसफॉर्मेशन को, तो आपकी लिसनिंग एबिलिटी भी काफी हद तक इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे इसके बेनिफिट है। इसका मतलब अगर हम देखें तो बेनिफिट की वजह से की साइड से देखा जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं बिल्कुल फंडामेंटल से। तो सबसे पहली बात करते हैं बच्चों हम कि सेंटेंस क्या है। आपको लगेगा ये तो बहुत सिंपल सी बात है, बट सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे समझिएगा ट्रांसफॉर्मेशन में फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस, इन तीनों का डिफरेंस समझना और साथ में फ्रेजेस और क्लॉजेस को अच्छे तरीके से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप ट्रांसफॉर्मेशन सही तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो सेंटेंस क्या होता है? पहली क्वालिटी सेंटेंस की होती है इट गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन, यानी एक सेंटेंस आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, दूसरी क्वालिटी आपके सेंटेंस की होती हैव वन और मोर देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन, यानी खाली सब्जेक्ट नहीं चलेगा, खाली वर्ब नहीं चलेगा, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तब वो आपका सेंटेंस कहलाएगा। तो सेंटेंस के अंदर ये दोनों क्वालिटी होनी चाहिए, पहली बात तो वो पूरा मीनिंग दे और दूसरी बात उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का एक कॉम्बिनेशन हो। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज प्लेइंग में अगर आप ध्यान से देखें तो ही इज द सब्जेक्ट एंड प्लेइंग इज द वर्ब, तो यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल है। क्या ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, वह खेल रहा है? यस, ये कंप्लीट सेंटेंस है अपने आप में, तो इसमें हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अब जरा दूसरी बात कीजिए, ही इज प्लेइंग बट हिज ब्रदर इज स्टडिंग, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन कितने हैं? ही एंड प्लेइंग इज वन कॉम्बिनेशन, हिज ब्रदर एंड स्टडिंग इज अनदर कॉम्बिनेशन। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब के दो कॉम्बिनेशन है, क्या ये दोनों पूरा पूरा मीनिंग दे रहे हैं? यस, ही इज प्लेइंग पूरा मीनिंग मिल रहा है, हिज ब्रदर इज स्टडिंग इससे भी हमें पूरा मीनिंग कन्वे हो रहा है। इसी तरीके से जब हम ये थर्ड सेंटेंस देखते हैं, सिंस इट इज रेनिंग, क्या इसके अंदर सब्जेक्ट है? जी बिल्कुल है। क्या इसके अंदर वर्ब है? बिल्कुल है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पेयर तो है, लेकिन क्या ये सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर पा रहा है? सिंस इट इज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही है, इससे हमें कोई मीनिंग कन्वे नहीं होता। इसका मतलब क्योंकि बारिश हो रही है के बाद या तो कोई दूसरा सेंटेंस होगा या इससे पहले कोई दूसरा सेंटेंस होगा, बट ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज नॉट अ सेंटेंस, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर, बॉय यानी सब्जेक्ट हो गया, स्टैंडिंग इज द वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो है, लेकिन क्या ये सेंटेंस पूरा मीनिंग कन्वे कर रहा है? अगेन, वो व्यक्ति या वो लड़का जो वहां खड़ा है, नहीं, इस सेंटेंस से हमें पूरा मीनिंग कन्वे नहीं होता, इसलिए हम कहेंगे कि ये सेंटेंस नहीं है। इसी तरीके से हु इज देयर, हु इज द सब्जेक्ट, इज इज अ स्टेटिव वर्ब हियर, और क्या इससे पूरा मैसेज कन्वे हो रहा है? वहां कौन है? यस, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमें मैसेज पूरा कन्वे हो रहा है। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो इसमें से, इन सेंटेंसेस में से केवल हमारे ये तीन सेंटेंसेस, यानी दिस वन इज द सेंटेंस, दिस वन इज द सेंटेंस एंड दिस वन इज द सेंटेंस, ये दोनों हमारे सेंटेंसेस नहीं है। ठीक है, तो यहां से हमें पता लगता है, जब भी कभी सेंटेंस के बारे में आपको जानकारी चाहिए, आपको पता लगाना है कि वो सेंटेंस है या नहीं है, तो आपको ये दोनों पैरामीटर चेक करने हैं। नंबर वन, पूरा मैसेज कन्वे होना चाहिए। नंबर टू, सब्जेक्ट टू वर्ब का एक कॉम्बिनेशन मिनिमम वहां पे होना चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जरा आगे चलते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की। इन टाइप, ये जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आपको इसमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, दीज सेंटेंसेस डोंट हैव डायरेक्ट इम्प्लीकेशन ऑन आर कॉन्सेप्ट, हमें ज्यादा इस चीज के बारे में कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बट बेसिक्स है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। जो सेंटेंसेस के टाइप्स हमें पढ़ने हैं वो है सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, उसके बारे में हम पूरी डिटेल में अच्छे से जानकारी लेंगे। तो मैं ब्रीफली आपको इनके बारे में बताता हूँ कि ये कौन से टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस, आप बहुत पहले से जानते हैं। अफर्मेटिव और नेगेटिव, दो तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो
उन दोनों को मिला के ही हम बेसिकली असर्टिव बोलते हैं, राइट। अफर्मेटिव का मतलब जहां पे आप कोई चीज पॉजिटिवली कह रहे होते हैं, नेगेटिव का मतलब जहां पे आप नॉट का यूज कर रहे हैं, राइट। तो दैट इज कॉल्ड द असर्टिव एंड रादर आई शुड से डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। तो फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे बोल सकते हैं जैसे ही इज प्लेइंग, ये भी एक असर्टिव सेंटेंस है, और ही इज नॉट प्लेइंग, ये भी एक असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये दोनों सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम इंटरोगेटिव की बात करें तो इंटरोगेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जहां पे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे इज ही प्लेइंग, क्या वह खेल रहा है, यहाँ पे हमने क्वेश्चन पूछ लिया। या फिर हम इसमें क्वेश्चन वर्ड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वेयर इज ही प्लेइंग, राइट। सो दीज सेंटेंसेज आर कॉल्ड द इंटरोगेटिव सेंटेंसेज। नाउ लेट अस जस्ट ट्राई टू टॉक अबाउट द इंपेरेटिव सेंटेंसेज। व्हाट आर द इंपेरेटिव सेंटेंसेज? जब भी कभी आपको किसी को आज्ञा देनी हो या किसी को कोई इमोशन स्पेशली व्यक्त करना हो, या मतलब उस तरह के सेंटेंसेस को जहां पे आप अपने इमोशंस को व्यक्त करते हैं, गुस्सा व्यक्त करते हैं, खुशी व्यक्त करते हैं, इस तरह की जो वक्तव्य होता है वहां पे इंपेरेटिव सेंटेंसेस को यूज किया जाता है। जनरली इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर एक खास बात ये होती है कि आपका वहां पे सब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं देता। तो जैसे आपने किसी से गुस्से में बोला स्टॉप, राइट, तो स्टॉप का मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट यू जो है वो छिपा हुआ है, यू स्टॉप, ओके, दैट इज कॉल्ड द इंपेरेटिव सेंटेंसेस। एक चीज छूट गई, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जहां पे आप आश्चर्य व्यक्त करते हैं या फिर एक आश्चर्य सूचक शब्द जो है वो व्यक्त करते हैं, एक्सक्लेमेशन व्यक्त करते हैं। और इसकी जो खास बात होती है, इसमें आप हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं, राइट। तो जैसे आपको कोई बहुत अच्छी चीज दिखाई दी तो आपने बोला वाओ, राइट, तो दैट बिकम्स एन एक्सक्लेमेशन। वहां पे इस तरह के वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ड, सो दैट विल बिकम एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एंड देन कम्स योर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बच्चों वो सेंटेंसेस होते हैं जहां पे आप कोई इच्छा व्यक्त करते हैं, कोई आशीर्वाद देते हैं किसी को, जैसे भगवान करे कि तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाए, या फिर मे यू गो प्लेसेस। सो दीज ऑल स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड द ऑप्टेटिव स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो ये पांच स्टेटमेंट से जस्ट फॉर योर नॉलेज आई वॉन्टेड टू टेल यू कि ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस से, हालांकि इनका कोई मतलब नहीं है, बट सेंटेंसेज मैंने आपको बताया था तो सेंटेंसेज कितने टाइप के होते हैं इसकी क्लैरिटी भी आपको होनी जरूरी है। अब हम यहाँ पे बच्चों बात करते हैं कि पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, एक सेंटेंस के कितने जनरली पार्ट्स हो सकते हैं। नाउ देयर आर डिफरेंट वेरियस पार्ट्स। हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट में भी डिवाइड कर सकते हैं, हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा। मुझे यहाँ पे मेजरली दो चीजों से मतलब है, दैट इज बेसिकली फ्रेज एंड क्लॉज, राइट। तो मुझे ये बात पता होनी चाहिए कि फ्रेज एंड क्लॉज क्या होते हैं, इनको हम अच्छे से स्टडी करेंगे, बट इवन देन जो बेसिक पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के उनको समझने की कोशिश कीजिए। सेंटेंस के सबसे पहला पार्ट होता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और दूसरे हम फ्रेज एंड क्लॉजेस में भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब जैसे हम ये नीचे सेंटेंस में दिया हुआ है, द बॉय इन ब्लू ड्रेस वॉज प्लेइंग विद योर ब्रदर। अब कोशिश करते हैं हम इसको थोड़ा सा डिवाइड करने की। इसमें सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट होता कौन है? सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में या तो बात की जा रही होती है या फिर जो कोई काम कर रहा होता है, राइट। तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है, यहाँ पे व्यक्ति कौन है? द डूअर ऑफ एक्शन इज द बॉय। द बॉय इन द ब्लू ड्रेस वॉज प्लेइंग विद योर ब्रदर, राइट। ही वॉज द वन हु वॉज प्लेइंग। सो बॉय इज बेसिकली द सब्जेक्ट, द डूअर ऑफ द एक्शन। एंड हु इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन? जो भी व्यक्ति रिसीवर ऑफ एक्शन होता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड योर ऑब्जेक्ट। सो ब्रदर इज द रिसीवर ऑफ रिसीवर ऑफ द एक्शन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। नाउ व्हाट एक्शन इज बीइंग डन? जो भी एक्शन वहां पे हो रहा होता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड अ वर्ब। तो ये तीनों चीजें तो हमें क्लियर है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अब यहाँ पे बात आता है फ्रेज एंड क्लॉज का। अभी आपको थोड़ी देर में आप समझ जाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड से ही आपको पता लग जाएगा फ्रेज एंड क्लॉज क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे ये जो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ वर्ड है, द बॉय इन ब्लू ड्रेस, ये बेसिकली आपका एक नाउन फ्रेज है। क्या होता है नाउन फ्रेज? जस्ट गिव मी अ मोमेंट, नेक्स्ट स्लाइड से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें प्लेइंग विद योर ब्रदर, तो ये बेसिकली आपका वर्ब क्लॉज है। हालांकि वर्ब क्लॉज के बारे में हम ज्यादा जानकारी नहीं लेंगे, बट फिर भी ये वर्ब क्लॉज है, इसको आप समझ लीजिएगा, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स गो टू अनदर पार्ट एंड लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दीज फ्रेज एंड क्लॉजेस इन अ वेरी ग्रेट डिटेल। अब हम फ्रेज की, इस वाले सेशन में हम फ्रेज की बात करेंगे, और यहाँ पे आपको अगर फ्रेजेस समझ में आ जाते हैं देन नेक्स्ट सेशन में क्लॉजेस, और फ्रेजेस एंड क्लॉजेस को समझने के बाद फिर हम बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की तरफ जाएंगे। तो ये बेसिक है, फ्रेजेस और क्लॉजेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेजेस के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज अ फ्रेज? नाउ अ फ्रेज इज बेसिकली अ ग्रुप और सेट ऑफ वर्ड्स विच, नंबर वन,
डज नॉट कन्वे द कंप्लीट आइडिया. सेंटेंस में क्या था? कंप्लीट आइडिया आइडिया कन्वे हो रहा था, बट फ्रेज में क्या है? कंप्लीट आइडिया कन्वे नहीं होगा. नंबर टू, डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन, यानी इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होगा. क्या खाली सब्जेक्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. क्या खाली वर्ब हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, राइट? और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, रिप्रेजेंट ओनली वन पार्ट ऑफ अ स्पीच. यानी पार्ट ऑफ अ स्पीच का मतलब सभी लोग जानते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब कुछ. तो एक जो फ्रेज होगा वो एक ही पार्ट ऑफ स्पीच को रिप्रेजेंट करेगा, या तो वो नाउन को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर वो एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर वो एडवर्ब को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, देखते हैं इसका मतलब क्या है. एग्जाम्पल्स के थ्रू आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. तो अगर हम इस वाले एग्जाम्पल को देखें, हर फादर इज वेरी हार्ड वर्किंग. अब जरा एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा. मान लेते हैं उसके फादर का नाम जो है वो रमेश है. मान लेते हैं उसके फादर का नाम रमेश है, तो हम कैसे लिखते हैं यहां पे? रमेश इज वेरी हार्ड वर्किंग. ओके, अब जरा एक बात समझिए, रमेश को जब हम रिप्लेस कर रहे हैं, यहां पे हमने इस सेंटेंस में हमने रमेश को किससे रिप्लेस कर दिया? हर फादर से. रमेश क्या है? रमेश इज अ नाउन, राइट? जब आप एक नाउन को कुछ शब्दों के समूह से रिप्लेस कर देते हैं तो वो एक नाउन फ्रेज कहलाता है. ठीक है, अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये फ्रेज है? फ्रेज के लिए आपको तीन क्वालिटीज पता होनी चाहिए. मैंने आपको पहले बताया था, हर फादर, क्या हर फादर एक कंप्लीट आइडिया रिप्रेजेंट कर रहा है? उसके पिता नहीं, उसके पिता से हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो पहली बात हो गई. दूसरी बात, क्या इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कोई कॉम्बिनेशन है? हर फादर सब्जेक्ट है लेकिन वर्ब नहीं है. और तीसरी बात, रिप्रेजेंट ओनली वन पार्ट ऑफ स्पीच. क्या हर फादर केवल एक पार्ट ऑफ स्पीच को रिप्रेजेंट कर रहा है? यस, मैंने रमेश को रिप्लेस किया है हर फादर से, तो वो केवल नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये एक नाउन फ्रेज है. तो यहाँ पे तीनों चीजें आपकी, यानी तीनों क्वालिटीज जो फ्रेज की हैं, वो आपकी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं. सो दिस इज बेसिकली अ फ्रेज विच इज द नाउन फ्रेज, राइट? नाउ इसी तरीके से अगर हम दूसरे की बात करें, वेरी हार्ड वर्किंग, क्या ये कोई फ्रेज है? कैसे पता लगेगा? नॉट कन्वेइंग द कंप्लीट आइडिया, क्या ये कंप्लीट आइडिया रिप्रेजेंट कर रहा है? बहुत मेहनती है. नहीं, बहुत मेहनती है मतलब कौन, किसके बारे में बात हो रही है? यहां पे केवल वर्ब है, सब्जेक्ट नहीं है, राइट? दूसरा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कोई कॉम्बिनेशन भी नहीं है, पूरा कंप्लीट आइडिया भी नहीं है, ओनली वन पार्ट ऑफ स्पीच. ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच को रिप्रेजेंट कर रहा है? यहां पे कौन है? यहाँ पे कौन है? यहाँ पे केवल वर्ब है, तो इसीलिए ये केवल एक पार्ट ऑफ स्पीच यानी वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट? सो ये बेसिकली आपकी वर्ब फ्रेज हो सकती है, राइट? हमें वर्ब फ्रेज अभी भूल जाइए, नाउन फ्रेज क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, एडवर्ब फ्रेज क्या है, फॉरगेट अबाउट इट, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन या अनदर एग्जांपल, द बॉय इन द ब्लू शर्ट. द बॉय इन द ब्लू शर्ट, मान लेते हैं उसका नाम रोहित है. तो अगर हम इस सेंटेंस में बॉय इन द ब्लू शर्ट की जगह रोहित रख दें, तो यहाँ पे क्वेश्चन, वो जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा? रोहित वॉज स्कोल्डिंग योर ब्रदर. सो एक नाउन को पूरी तरीके से हमने रिप्लेस किया, तो ये बेसिकली क्या बन गया? ये बन गया हमारा नाउन फ्रेज. देख लेते हैं क्या कंप्लीट मीनिंग रिप्रेजेंट कर रहा है द बॉय इन द ब्लू शर्ट. नीली शर्ट में जो लड़का है, कुछ मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा, राइट? तो द बॉय इन द ब्लू शर्ट इज अ पहली कंडीशन इसमें अप्लाई हो गई. दूसरी, डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन. सब्जेक्ट है इसके अंदर, यस, बॉय है. वर्ब है? नहीं, कोई वर्ब नहीं. तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का जब कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो सिचुएशन में क्या हो गया? ये एक फ्रेज हो गया. क्या ये एक ही पार्ट ऑफ स्पीच को रिप्रेजेंट कर रहा है? यस, वो केवल नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा जो फ्रेज है वो तीनों क्वालिटीज, उसके अंदर ये तीनों क्वालिटीज होनी चाहिए. अगर ये तीनों क्वालिटीज है, देन वी कैन इजिली अंडरस्टैंड दैट इट इज अ फ्रेज. ठीक है, आगे चलते हैं. तीन तरह की फ्रेजेस आपकी जनरली पाई जाती हैं. पहली आपकी नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज. तो जो भी सेंटेंसेस होगा उसमें हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि नाउन फ्रेज क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, एडवर्ब फ्रेज क्या है. अब पहले समझ लेते हैं एक एक करके कि नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव और एडवर्ब फ्रेज होते क्या है. तो सबसे पहली बात करते हैं हम नाउन फ्रेज की. सो व्हाट इज अ नाउन फ्रेज? व्हेन अ ग्रुप ऑफ वर्ड रिप्लेसेस अ नाउन और प्रोनाउन और एक्ट्स लाइक अ नाउन, इट इज कॉल्ड अ नाउन फ्रेज. जब किसी भी एक सेंटेंस में अगर आप एक नाउन को किसी शब्दों के समूह से रिप्लेस कर देते हैं, तो वह शब्दों का समूह जो होता है, दैट ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड बेसिकली द नाउन फ्रेज. ओके,
और दूसरा हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो भी सेंटेंस में नाउन की तरह काम करे वही बेसिकली नाउन फ्रेज कहलाता है। तो अब जरा इस सेंटेंस को देखिएगा, एक सेंटेंस था हमारे पास ही इज प्लेइंग। अब यहाँ पे जो ही है वो बेसिकली प्रोनाउन है। अच्छा एक बार समझ लीजिएगा, प्रोनाउन और नाउन में हम डिफरेंस नहीं करते हैं क्योंकि प्रोनाउन बेसिकली नाउन को रिप्रेजेंट करने का ही एक तरीका है। तो यहाँ पे ये प्रोनाउन है। अब इस प्रोनाउन को, नाउन या प्रोनाउन को किसी को हम रिप्लेस कर दें किससे, मैंने इसको रिप्लेस कर दिया योर ब्रदर से, योर ब्रदर इज प्लेइंग। अब यहाँ पे ये योर ब्रदर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लेते हैं ही को, राइट, ही मतलब रोहन हो गया, रोहित हो गया, ठीक है। तो ये जो योर ब्रदर है यहाँ पे ये नाउन का काम कर रहा है, राइट, क्योंकि इसने एक नाउन को रिप्लेस किया है। क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है अपने आप में? नहीं, क्योंकि इसमें केवल सब्जेक्ट है, इसमें कोई वर्ब नहीं है। क्या ये कंप्लीट मीनिंग रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं, आपका भाई, क्या आपका भाई, कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं हो रहा। तो इस वजह से यह एक फ्रेज है और क्योंकि ये एक नाउन का काम कर रहा है तो ये एक नाउन फ्रेज हो गया। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो नाउन फ्रेज कैसे पता लगेगा? एनी फ्रेज, फ्रेज वो जो तीनों क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करे, जो नाउन को रिप्लेस कर दे वही बेसिकली नाउन फ्रेज कहलाएगा। एनी फ्रेज विच इज रिप्लेसिंग अ नाउन इज कॉल्ड द नाउन फ्रेज, या ऐसा फ्रेज जो नाउन का काम करे वो बेसिकली आपका नाउन फ्रेज कहलाएगा। फ्रेज क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि इसमें दो वर्ड्स हैं। जब भी कभी दो या दो से ज्यादा वर्ड्स का ग्रुप होगा वो हमेशा फ्रेज या क्लॉज की कैटेगरी में आएगा। तो फ्रेज कब आएगा? जब उसके अंदर ये तीन क्वालिटीज होंगी। नाउन कौन होता है? अ वर्ड रिप्रेजेंटिंग नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। और नाउन फ्रेज क्या होता है? अ ग्रुप और सेट ऑफ वर्ड्स रिप्रेजेंटिंग नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, इन्फॉर्मेशन और इमोशन। यानी नाउन और नाउन फ्रेज में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, नाउन हमेशा एक सिंगल वर्ड होता है और नाउन फ्रेज जो होता है वो मोर देन टू या मोर देन टू वर्ड्स वहां पे हो सकते हैं, बट दे रिप्रेजेंट ओनली नाउन। अ नाउन फ्रेज आंसर्स द क्वेश्चन हु, वेयर, व्हाट। जनरली नाउन फ्रेज जो होगा वो आंसर देगा आपके क्वेश्चन का कि कौन, कहां और क्या। जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं पूछूं हु इज प्लेइंग तो आप क्या बोलेंगे? योर ब्रदर। हु इज प्लेइंग? योर ब्रदर। तो हु का आंसर किसने दिया? योर ब्रदर ने, तो वो आपका नाउन फ्रेज कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब आगे चलते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? एडजेक्टिव फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स रिप्लेसेस एन एडजेक्टिव और एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव इज कॉल्ड द एडजेक्टिव फ्रेज। सो एडजेक्टिव फ्रेज वो फ्रेज होता है जो एडजेक्टिव की तरह काम करे या फिर एक एडजेक्टिव को रिप्लेस कर दे। ठीक है, अब जैसे अगर आप यहाँ पे देखें, हिज बिहेवियर इज एक्सट्रीमली एब्रेसिव। अब यहाँ पे हिज बिहेवियर, अगर आप ध्यान से देखें, हिज बिहेवियर, मैं आपसे पूछूं कि क्या एक्सट्रीमली एब्रेसिव है, वॉट इज एक्सट्रीमली एब्रेसिव, आपने आंसर दिया हिज बिहेवियर, तो हिज बिहेवियर क्या हो गया? नाउन फ्रेज। आंसर किस, मैंने बताया था ना, नाउन फ्रेज किसका आंसर देता है? हु, वॉट एंड जनरली वेयर। ओके, तो ये तो नाउन फ्रेज हो गया, हिज बिहेवियर इज एक्सट्रीमली एब्रेसिव। अब हिज बिहेवियर की क्वालिटी कौन बता रहा है? बिहेवियर की क्वालिटी कौन बता रहा है? इस नाउन फ्रेज की क्वालिटी कौन बता रहा है? एक्सट्रीमली एब्रेसिव। अगर ये एक वर्ड होता, केवल एब्रेसिव होता, तो मैं इसको एडजेक्टिव बोल सकता था, लेकिन क्योंकि ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एक्सट्रीमली एब्रेसिव, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज। अब ये तो पता लग गया कि ये एडजेक्टिव फ्रेज है, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये फ्रेज के पैरामीटर्स पे सही बैठता है। एक्सट्रीमली एब्रेसिव से मीनिंग क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा। ठीक है, क्या इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कोई कॉम्बिनेशन है? नहीं, इसके अंदर कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं, न सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, न वर्ब का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, न सब्जेक्ट है, न वर्ब है, राइट। तो क्या ये एक ही पार्ट ऑफ स्पीच को रिप्रेजेंट कर रहा है? यस, ये एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब ये एक फ्रेज है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। बात समझ में आती है? ठीक है, एडजेक्टिव क्या है? अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन और अ नाउन फ्रेज। तो यहाँ पे एक्सट्रीमली एब्रेसिव जो है वो नाउन फ्रेज के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। एडजेक्टिव फ्रेज क्या है? अ ग्रुप सेट ऑफ वर्ड्स। यानी एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज में केवल ये डिफरेंस होता है कि एडजेक्टिव जो होता है वो सिंगल वर्ड होता है, बल्कि एडजेक्टिव फ्रेज जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। एन एडजेक्टिव फ्रेज जनरली आंसर्स हाउ। एडजेक्टिव फ्रेज आपका आंसर देता है क्वेश्चन का कैसे, जब आप क्वेश्चन पूछते हैं कैसे, उसका बिहेवियर कैसे या कैसा, उस कैसा है उसका बिहेवियर, हाउ इज हिज बिहेवियर, आप बोलेंगे एक्सट्रीमली एब्रेसिव। तो एक्सट्रीमली एब्रेसिव जो है ये आपको एक हाउ का आंसर प्रॉपर तरीके से दे रहा है। एडवर्ब फ्रेज क्या होता है? व्हेन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स रिप्लेसेस एन एडवर्ब और एक्ट्स लाइक एन एडवर्ब इज कॉल्ड द एडवर्ब फ्रेज। यानी जब एक शब्दों का समूह आपके किसी एडवर्ब को प्रॉपर तरीके से रिप्लेस कर दे या फिर एक एडवर्ब का काम करे तो वही आपका एडवर्ब फ्रेज कहलाता है। अब जैसे यहाँ पे एडवर्ब होता क्या है? जो वर्ब की क्वालिटी बताता है या फिर वर्ब को थोड़ा सा मॉडिफाई करता है, वर्ब को और एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो एक्सप्लेन हिज आइडिया, ही एक्सप्लेन्ड हिज आइडिया वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली।
राइट तो यहां पे आप देखिए, यहां पे वर्ब क्या है, एक्सप्लेन, और इस वर्ब को और ज्यादा मॉडिफाई कौन कर रहा है, उसने कैसे एक्सप्लेन किया, वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली, राइट। तो ये कहलाता है आपका एडवर्ब, राइट। जब कोई वर्ब की क्वालिटी बताए या वर्ब को और ज्यादा डिफाइन करे या वर्ब के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे तो उसको एडवर्ब बोलते हैं। लेकिन अगर एडवर्ब का काम दो या दो से ज्यादा शब्द कर रहे हो तो वो एडवर्ब फ्रेजेस बन जाते हैं, एडवर्ब फ्रेजेस बन जाते हैं। तो वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, अगर खाली कॉम्प्रिहेंसिवली होता तो वो एडवर्ब हो जाता, लेकिन यहाँ पे ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है तो ये आपका बेसिकली क्या कहलाता है, ये आपका एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। फ्रेज के पैरामीटर पे सही बैठता है, चेक कर लेते हैं। सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, कंप्लीट मीनिंग वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली कुछ मीनिंग नहीं दे रहा है, और क्या ये एक ही पार्ट ऑफ स्पीच को रिप्रेजेंट कर रहा है, यस ये एडवर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इसको बोल देंगे कि ये हमारा एडवर्ब फ्रेज हो गया, ठीक है। चलिए यहां तक की बात हमें समझ में आती है। एडवर्ब क्या होता है, अ वर्ड जनरली मॉडिफाइज अ वर्ब एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब डिटरमाइनर क्लॉज प्रीपोजिशन और सेंटेंस। काफी डिटेल में डेफिनेशन दी हुई है, इसको आप समझ सकते हैं। एडवर्ब फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड है तो एडवर्ब है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड है तो आपका एडवर्ब फ्रेज है। एडवर्ब फ्रेज आपका आंसर देता है हाउ व्हेन वेयर एटसेट्रा, राइट। तो हाउ यहाँ पे उसने कैसे एक्सप्लेन किया, जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा हाउ हाउ डिड ही एक्सप्लेन, आप बोलेंगे वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली, तो आंसर कौन दे रहा है, एडवर्ब, ठीक है। तो ये आपका एडवर्ब क्लॉज है। अब यहाँ पे अब एक सिंपल सा एग्जांपल हम यहाँ पे देखें, एक्सरसाइज आप देखते हैं यहाँ पे, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन फ्रेज टाइप। अब हमें यहाँ पे कुछ फ्रेजेस मैंने आपको दे रखी हैं, आपको उनको आइडेंटिफाई करना है कि वो एडजेक्टिव फ्रेज है, नाउन फ्रेज है कि एडवर्ब फ्रेज है, ठीक है। तो एक एक करके चलिए आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले मैं आपको टाइम दूंगा, आप कोशिश कीजिए कि आप वीडियो को पॉज करें और खुद से ये जो अंडरलाइन जो आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखे हैं आप इनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, तो उससे आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि आप कहाँ पे समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए हैं, कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद आप आंसर चेक कीजिए जो मैं आप बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो आई होप कि आपने वीडियो पॉज किया होगा, एंड देन नाउ वी आर सॉल्विंग इट। सो सबसे पहला सेंटेंस हम देखते हैं, शी सिंग्स वेरी ब्यूटिफुली। अब देखिए यहाँ पे वर्ब क्या है, यहाँ पे वर्ब है सिंग्स, और सिंग्स को मॉडिफाई कर रहे हैं दीज टू वर्ड्स, राइट। दीज टू वर्ड्स आर मॉडिफाइंग सिंग, यानी वर्ब को मॉडिफाई करने वाला क्या होता है, एडवर्ब। और यहाँ पे क्योंकि दो से ज्यादा दो वर्ड्स हैं तो इसलिए हम इसको एडवर्ब तो नहीं बोल सकते, हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे एडवर्ब फ्रेज। फ्रेज क्यों बोल रहे हैं, दोबारा से देख लीजिए, कंप्लीट मीनिंग नहीं मिल रहा, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, एक ही पार्ट ऑफ स्पीच को रिप्रेजेंट कर रहा है, यस तो ये एडवर्ब फ्रेज हो गया। दूसरे क्वेश्चन में, दूसरे एग्जांपल में आइए, ही किक्ड रवीज लैग, ओके। अब ध्यान से समझिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं उसने किसको किक किया, व्हाट डिड ही किक, तो आप बोलेंगे रवीज लैग, यानी व्हाट का आंसर आपको कौन देता है हमेशा, जनरली नाउन फ्रेज। तो अगर आप ध्यान से समझें तो उसने किस चीज को किक किया, उसने रवि की लेग को किक किया, राइट। तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट जो होता है, मतलब जनरली जो ऑब्जेक्ट होता है वो बेसिकली आपके नाउन का काम करता है, बट यहाँ पे दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है तो इसीलिए हम इसको नाउन फ्रेज बोलेंगे। फ्रेज अगेन रवीज लैग, रवि की टांग, कुछ मैसेज क्लियर नहीं हो रहा, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड है, और दूसरा सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं है यहाँ पे, एंड नंबर थ्री ये जो है बेसिकली एक ही आपकी फ्रेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ही पार्ट ऑफ स्पीच को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज नाउन फ्रेज। मोस्ट आउल्स स्लीप ड्यूरिंग द डे, ओके, मोस्ट आउल्स स्लीप ड्यूरिंग द डे। यहाँ पे ये किसके बारे में बात हो रही है, आउल्स के बारे में बात हो रही है, तो आउल्स को डिफाइन कौन कर रहा है, एक्सप्लेन कौन कर रहा है, मॉडिफाई कौन कर रहा है, आउल्स स्लीप ड्यूरिंग द डे। तो स्लीप ड्यूरिंग द डे जो है वो आउल्स की क्वालिटीज बता रहा है, ये बेसिकली आपका हो गया एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। यहाँ पे केवल वर्ब है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, स्लीप ड्यूरिंग द डे वर्ब है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, और ये केवल एक ही पार्ट ऑफ स्पीच को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मीनिंग भी प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं है, तो एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। रमेश ओन्स क्वाइट सरप्राइजिंगली बिग डॉग्स, ओन्स, ओन यहाँ पे एक वर्ब है, और वर्ब को डिफाइन करने के लिए आपका जो कलेक्ट सिलेक्शन ऑफ वर्ड यूज होता है दैट इज बेसिकली एडवर्ब, तो ये आपका यहाँ पे क्या बन गया, एडवर्ब फ्रेज, ओके। अब जरा नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस देखने में सेम है लेकिन अंडरलाइन पार्ट डिफरेंट है, ठीक है। पहले में क्वाइट सरप्राइजिंग बिग डॉग्स अंडरलाइन था, लेकिन यहाँ पे केवल क्वाइट सरप्राइजिंगली बिग अंडरलाइन है। तो अगर आप ध्यान से देखें, क्वाइट सरप्राइजिंगली बिग किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, डॉग्स को मॉडिफाई कर रहा है। डॉग क्या है, नाउन, नाउन को मॉडिफाई करने का काम कौन करता है, एडजेक्टिव। अगर एक वर्ड होता तो मैं एडजेक्टिव बोलता, बट क्वाइट सरप्राइजिंगली बिग
तीन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा बच्चों, नाउ दिस स्पेसिफिकली इज माय एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। तो आप देख सकते हैं कि एक ही कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स में अगर हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करते हैं तो वो बेसिकली एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा है। यहाँ पे क्वाइट सरप्राइजिंगली बिग जो है वो एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा है, बट क्वाइट सरप्राइजिंगली बिग डॉग्स जो है वो बेसिकली आपका एडवर्ब फ्रेज का काम कर रहा है। इसी तरीके से योर ब्रदर्स कनिंग वाइफ, राइट, योर ब्रदर्स कनिंग वाइफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस मेस। इस पूरे मेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हु इज रिस्पॉन्सिबल, हु का जनरली आंसर कौन देता है, नाउन फ्रेज। और दूसरा, अगर आप ध्यान से देखें तो ये योर ब्रदर्स कनिंग वाइफ का कुछ नाम भी होगा, अगर आप उस नाम को यहां पे रख दें तो काम चल जाएगा। तो यानी जिसका नाम होता है उसी को तो नाउन बोलते हैं, राइट। तो योर ब्रदर्स कनिंग वाइफ इज बेसिकली द नाउन फ्रेज, राइट, दिस इज द नाउन फ्रेज। अगर एक ही वर्ड होता, राइट, तो हम उसको नाउन बोल देते, बट यहाँ पे नाउन फ्रेज है। इसी तरीके से दे सॉ वेरियस कलरफुल ऑब्जेक्ट्स ऑन द टेबल, यहाँ पे दो अलग अलग फ्रेजेस आपको दिखाई दे रही हैं, वेरियस कलरफुल ऑब्जेक्ट्स, उन्होंने क्या देखा। सबसे पहली बात तो व्हाट दे सॉ, व्हाट दे सॉ, व्हाट का आंसर कौन देता है, नाउन देता है। सो वेरियस कलरफुल ऑब्जेक्ट्स इज बेसिकली इज अ नाउन फ्रेज, वेरियस कलरफुल ऑब्जेक्ट इज अ नाउन फ्रेज। अब ये जो वेरियस कलरफुल ऑब्जेक्ट्स है ये तो नाउन फ्रेज हो गया, लेकिन वो जो उन्होंने देखा वो कहां पे रखा हुआ था, या जो भी चीजें थी, व्हाटएवर दे सॉ, वो कहां पे था, राइट, तो दैट इज, दैट वाज ऑन द टेबल, राइट। ऑन द टेबल बेसिकली किस चीज को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा है, सॉ को, यानी सॉ देखने के बारे में और इन्फॉर्मेशन बताने की कोशिश कर रहा है। तो जो वर्ब की कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन देता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब फ्रेज। तो आप समझ पा रहे हैं, दिस इज बेसिकली द वेरियस कलरफुल ऑब्जेक्ट्स इज नाउन फ्रेज, एंड देन दिस ऑन द टेबल इज बेसिकली द एडवर्ब फ्रेज, नॉट द एडजेक्टिव, एडवर्ब फ्रेज। ओके, ऑलराइट, and then we talk about he worked extremely hard yet got eliminated. ab yahan pe extremely hard basically kisko identify, kisko modify karne ki koshish kar raha hai, worked ko. so extremely hard is modifying worked. to jab ye work ko modify karega, yani verb ko modify karega, to kya kehlayega, ye kehlayega adverb phrase. okay bachcho, now this is the adverb phrase. so i hope you got an idea. ये सेंटेंसेस जनरली आपके एग्जाम में इसी तरह के सेंटेंसेस आ सकते हैं जहां पे आपसे पूछा जा सकता है कि वो आइडेंटिफाई द अंडरलाइन फ्रेज और आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज। तो क्लॉज के बारे में हम आगे जानकारी लेंगे, बट दिस वाज द ऑल। सो नाउ दिस इज द एंटायर माइंड मैप जो आप पूरा समझने के लिए कोशिश कर समझ सकते हैं एक ही बार में। ये मैं जानबूझ के मैंने आपको इसलिए दिया है जिससे कि पूरा लेक्चर को हम समराइज कर सकें। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में सबसे पहले हमने मीनिंग समझा, उसका मीनिंग क्या है, एक टाइप के सेंटेंस को दूसरी टाइप के सेंटेंस में कन्वर्ट करना। फिर इंपॉर्टेंस हमने समझा, पैराफ्रेजिंग, आपका जो कमांड ओवर लैंग्वेज, इंप्रेसिव आर्टिकुलेशन, एनहेंस्ड अंडरस्टैंडिंग, बेटर लिसनिंग, इन सब चीजों के लिए आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस रिक्वायर्ड है। सेंटेंस फिर हमने समझा, अ ग्रुप ऑफ ग्रुप और सेट ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस, ठीक है, जिसका कंप्लीट मीनिंग हो और साथ में जिसमें वन और मोर देन वन सब्जेक्ट प्लस वर्ब के कॉम्बिनेशन हो। टाइप आपके असर्टिव हो सकते हैं, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव एंड इंपेरेटिव, हर तरह के आपके टाइप्स हो सकते हैं। देन फ्रेज क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके अंदर तीन चीजों की क्वालिटी, तीन चीजें मिलेंगी। नंबर वन, डज नॉट कन्वे द कंप्लीट आइडिया। नंबर टू, डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन। एंड नंबर थ्री, रिप्रेजेंट्स ओनली वन पार्ट ऑफ अ स्पीच, दैट इज कॉल्ड द फ्रेज। तीन तरह की फ्रेजेस आपको पता लगी। सबसे पहले नाउन फ्रेज, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो नाउन की तरह काम करे, नाउन फ्रेज कहलाता है। जनरली हु, व्हाट और वेयर का आंसर देता है। इसी तरीके से एडजेक्टिव क्लॉज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव इज कॉल्ड द एडजेक्टिव फ्रेज, और इसमें जनरली आपको हाउ का आंसर मिलता है। एंड एडवर्ब फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच एक्ट्स लाइक एन एडवर्ब, ये भी आपका एडवर्ब फ्रेज कहलाता है, जो एडवर्ब की तरह काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये आज ये तीनों चीजें देखी। अगर आपको ये चीजें समझ में आती हैं और आपको लगता है कि इनसे आपको बेनिफिट हो रहा है, तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि आप बाकी सारी वीडियोस को भी बहुत अच्छे से देख पाएं और उनके नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल पाएं। हम यहाँ पे एवरी सिंगल डे विल बी पोस्टिंग अ वीडियो, जिससे कि हम अपना पूरा सिलेबस जो है वो विद इन अ मंथ उसको कवर कर पाएं। एंड इफ यू जस्ट वॉच दीज वीडियोस वेरी केयरफुली, बिलीव मी, यू कैन आंसर ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन, एंड आई कैन गारंटी यू दैट यू नो यू विल बी डेफिनेटली गेटिंग 100% marks. Okay, so whatever the marks is, that will be your 100% marks.
Okay, so please remember that if you really want to achieve that 100% mark score, and once again, guys, this is not only and only about marks. This is about understanding. I believe कि अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हैं और उसमें time invest कर रहे हैं तो केवल marks के पीछे नहीं भागना चाहिए. यहाँ पे जो आप समझेंगे वो समझने के लिए आपको ध्यान देना जरूरी है, और ध्यान तो आप देंगे ही. तो अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो क्यों ना उस चीज को आप इतने अच्छे से लर्न करें कि आप आगे उसको फ्यूचर में अपने कम्युनिकेशन में यूज कर पाए. आई एम अ कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनर. मैं ये जो सेशन आपकी बना रहा हूँ ये केवल इस वजह से बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन इट. आई रियली वॉन्ट यू टू हैव दैट वैल्यू कि आप जो यहाँ पे सीख रहे हैं आप उसको अप्लाई कर सकें अपने कम्युनिकेशन में. ठीक है, तो मेक श्योर कि आप यू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स इफ देर इज एनी सजेशन, देर इज एनी फीडबैक विच यू वॉन्ट मी टू इंक्लूड. आपको लगता है कि कुछ सजेशन आप मुझे देना चाहें या कुछ इंप्रूव करना चाहिए मुझे तो आप उसमें बताइए. प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स अगर उनको नहीं पता है कि इस तरह की सेशन की सीरीज भी एक चल रही है. बिकॉज ये नया सिलेबस है, जनरली आपको इसकी सीरीज मिलेगी नहीं, तो इसी वजह से मैंने कोशिश की है कि जल्दी से जल्दी आपके लिए लेके आऊं जिससे कि आपको परेशान ना होना पड़े. सो थैंक यू सो मच गाइस. आई होप दैट यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग. एंड इफ देर इज एनीथिंग विच यू वुड लाइक टू सजेस्ट मी, यू वॉन्ट टू कनेक्ट विद मी, व्हाट्सएप का जो लिंक है और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. इसका जो PDF है उसका लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन जस्ट कीप इट विद यू फॉर रिवाइजिंग इन फ्यूचर. ओके, सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स. हैव अ गुड डे अहेड. ऑल द बेस्ट. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन.